हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियेश पटेल। यू आर वेलकम ऑन द ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ प्रिय सर विद्यापीठ। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे डिग्री में हो, डिप्लोमा में हो, फार्मेसी में हो, कोई भी ब्रांच में आप हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फर्स्ट ईयर के आप स्टूडेंट हो, न्यूली एडमिशन वाले स्टूडेंट अगर आप हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के एक भी पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि अब आपकी एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द आने वाली है। और पहली बार जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना अभी से ज़रूरी होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही सारी बातें बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको स्टडी के साथ साथ जॉब की रिक्वायरमेंट है और आप 18+ हो, तो विदाउट एनी डिग्री री लेवल बाई अर्न अकेडमी में आपको जॉब मिल सकती है। बेटा, अभी यहाँ पे हायरिंग चल रहे हैं रोजर पे के। जो हायरिंग यहाँ पे बेटा चल रहे हैं, वो बैक एंड पोजीशन के लिए 20 से 24 लाख के पैकेज के लिए चल रहे हैं। आप रजिस्टर फॉर टेस्ट में जाओगे, ये टेस्ट बिल्कुल फ्री होती है। आपको आपके घर पे बैठ के ही टेस्ट देनी होती है। स्किल के बेस के ऊपर टेस्ट होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप वहां से टेस्ट दे सकते हो। अभी अभी बेटा अर्न अकेडमी ने न्यू एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट टेस्ट लॉन्च की है। उसके अलग अलग 10 टेस्ट की कैटेगरीज है, अलग अलग पोजीशन के लिए, जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट, एनालिटिक्स, फ्रंट एंड, बैक एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एचआर एंड ऑपरेशन। ये सभी जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है और 15 दिन के अंदर आप आपकी ड्रीम कंपनी में जॉब पा सकते हो। यहाँ पे बेटा आपको जो जॉब मिलती है, वो बड़ी बड़ी कंपनी लाइक ग्रेड, अपग्रेड, पेटीएम, यात्रा, मैशो जैसी कंपनी में आपको अच्छे अच्छी पोजीशन के लिए 15 लाख से 30 लाख के पैकेजेस के अंदर जॉब प्रोवाइड की जाती है। आज तक री लेवल बाई अर्न अकेडमी ने 15 करोड़ से भी ज्यादा पैसों की जॉब स्टूडेंट को दिलवाई है। और वो उनके स्टूडेंट को गुडीज लाइक एप्पल मैकबुक, आईफोन, हर एक मंथ में उनके जो टॉप कैंडिडेट होते हैं उनको ये गिफ्ट में देते हैं। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है टेस्ट के लिए, तो आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, मॉक टेस्ट की फैसिलिटीज भी देते हैं, सैंपल पेपर्स भी वहां पे अवेलेबल होते हैं, जो आप आपके खुद से प्रिपेयर करते ये टेस्ट दे सकते हो। अभी अभी उनके एक कैंडिडेट ने एपीएम इन हिंदुस्तान टाइम में जॉब पाई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको बेटा लिंक दे रहा हूं, वो लिंक में जाइए और टेस्ट पेपर देखिए, सब कुछ देखिए और आपकी मनपसंद कंपनी में जॉब आज ही पा लीजिए। और इसको ही बोलते हैं बेटा विन विन सिचुएशन। अब बेटा मैं बात करूं कि फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप हो, तो आपने अगर ऐसा सोचा हो कि आपको कोई रीडिंग वैकेशन मिलता है यहाँ पे एग्जाम के पहले, तो बेटा ऐसा कोई चीज होती नहीं है। कोई रीडिंग वैकेशन नहीं मिलता है। 4 या 5 दिन आपको शायद हार्डली एग्जाम से पहले पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, 10 से ज्यादा दिन आपको मिलने वाले नहीं है। दूसरी चीज कि आपने आपकी सब्जेक्ट की नोट्स बनाई हुई जरूरी है, बुक में से कितना पढ़ोगे। जब तक आपके पास आपकी खुद की नोट्स नहीं होगी, तब तक बुक में से आप अच्छे से रीड करके अच्छे मार्क नहीं ला सकते हो। तीसरी चीज, आपको इंग्लिश का डर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिग्री वाले स्टूडेंट को तो इंग्लिश में ही पेपर लिखना है। अगर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट गुजराती में दे रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिग्री वाले स्टूडेंट को कंपलसरी इंग्लिश में पेपर लिखना होता है। कहीं पर गुजराती या हिंदी लैंग्वेज का यूज नहीं है, तो आपको इंग्लिश में पेपर में लिखना भी आना चाहिए। सब पता होता है, लेकिन इंग्लिश में वर्ड याद नहीं हो तो आप कैसे लिख पाओगे। नेक्स्ट चीज ऐसी है कि जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के 2-3 पेपर के ऊपर ही भरोसा रख के बैठते हैं, तो वो पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके अच्छे एसपीआई आपको लाने हैं, तो वो अच्छे एसपीआई के लिए आपको पूरा सिलेबस कंसेप्ट के साथ अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना होगा। अगर आप बेटा पूरा सिलेबस प्रिपेयर नहीं करोगे, तो आपके अच्छे नंबर आना पॉसिबल नहीं है। मैथ्स के अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर बेटा नहीं करने चाहिए। सवाल रिपीट नहीं होते हैं, कंसेप्ट रिपीट होते हैं, तो कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन मैथ्स में करके जाओगे, तो यहाँ पे फेल होने के चांसेस ज्यादा है। और फर्स्ट सेमिस्टर का जो मैथ्स है वो बहुत लेंथी है। डिप्लोमा का मैथ्स चेंज हो गया है, डिग्री का मैथ्स नया सिलेबस है और बहुत लेंथी है। आपको हर एक चीजें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जानी होती है। फिर एक बात ये इंपॉर्टेंट होती है कि स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है कि मैं बाद में पढ़ लूंगा, लेकिन बाद में आपको असाइनमेंट में लिखने भी आएंगे। तो अभी से जितना टाइम आपको मिल रहा है थोड़ा बहुत, वो आपको आपके रीडिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर करना चाहिए। कहीं पे कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। जैसे आप 12th में पूरे ईयर पढ़ाई करते थे, वैसे ही अभी आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ATKT आने के चांसेस 50% से भी ज़्यादा केसेस में होते हैं, क्योंकि इस बार भी आपकी एग्जामिनेशन ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड में ही होने वाली है। और अगर आप GTU से बिलोंग करते हो, तो रिजल्ट बहुत ऑलरेडी कम आते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% रिजल्ट में से 70-80% रिजल्ट आता है। तो अगर आप अच्छी प्रिपरेशन नहीं करोगे, तो आपका रिजल्ट भी यहाँ पे खराब आने के चांसेस है, और हर एक सब्जेक्ट में करना है। अगर आपको हमारे साथ मैथ्स पढ़ना है, या फिर PPS पढ़ना है, या फिर डिप्लोमा का मैथ्स पढ़ना है, तो आप हमारी एप्लीकेशन प्रिय सर विद्यापीठ में जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। इसमें बेटा आपको कंटेंट स्टोर में स्टोर सेक्शन में जाना है। स्टोर नाम का एक सेक्शन होगा, STORE नीचे आपको दिखाई देगा। उसके अंदर PPS का भी कोर्स पूरा आ चुका है। मैथ्स 1 के कोर्स के अंदर चैप्टर अपलोड हो रहे हैं, 2 चैप्टर अभी यहाँ पे बाकी है। लेकिन 2 चैप्टर अपलोड होने के बाकी है, तो भी आप देखो 48 वीडियोस आ चुके हैं और 130 फाइल्स आ चुकी है। आप बोलोगे सर इतना सारा अंदर क्या आपने रखा है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे एक डेमो लेक्चर अवेलेबल है,
मान लो कि मैं एक चैप्टर ओपन करता हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में 10 वीडियो है, सभी वीडियोस में टॉपिक वाइज हमने समझाया है, पूरा सिलेबस आपका कवर किया है, उसके डीपीपी के अंदर आप जाओगे, नेक्स्ट में आप गए मान लो सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके नोट्स, तो जो लेक्चर्स की नोट्स है वो आपको यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, उसकी डीपीपी में जाओगे तो आपको लेक्चर वाइज 10 डीपीपी मिलेगी, जिसमें सेम टू सेम जैसे थोड़े चेंज किए हुए क्वेश्चन होंगे, जीटीयू के पीवाईक्यू होंगे, ये आपको लगाने हैं, इसके अंदर खाली आंसर लिखे होंगे, फिर आपको आंसर नहीं आते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी हमने पीडीएफ फॉर्म में रखा है। तो इतनी सारी चीजें हमने एप्लीकेशन के अंदर रखी हुई है कि आप इतना करोगे तो आपको बुक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम टू सेम जो यहाँ पे पीपीएस का भी कोर्स है, मैं यहाँ पे पीपीएस को ओपन करूं, तो ये जो पीपीएस का कोर्स है उसमें भी सर ने सेम टू सेम, कवन सर का ये कोर्स है, तो कवन सर ने सेम टू सेम कंटेंट के अंदर रखा है। टोटल कितने कंटेंट है, 36 वीडियोस है, 52 फाइल्स है, सर ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिए, चैप्टर वाइज मटेरियल दिया है, सब कुछ सर ने दिया है, इसमें भी डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट है वो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए मैथ्स है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए भी आकाश सर ने बहुत मस्त मैथ्स बनाया है, ये रहा डिप्लोमा मैथमेटिक्स, जो भी अभी 500 रुपीज का ही कोर्स है, इसके अंदर सर ने कितनी चीजें रखी है, 48 वीडियोस है, 65 फाइल्स है, इसके कंटेंट में भी आप जाओगे तो डेमो लेक्चर्स, नोट्स और बहुत सारी चीजें आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग टू मिलेगी। अब ये जितने भी सर आप देख रहे हो, मैं मैथ्स का कोर्स बनाया है, डिप्लोमा में आकाश सर ने बनाया है, कवन सर ने बनाया है, ये सभी सर का एक्सपीरियंस इसी फील्ड में, इसी सब्जेक्ट में 10-10 साल से भी ज्यादा का है। तो ये 10 साल का जब एक्सपीरियंस वाले टीचर आपको कुछ पढ़ाएंगे, वो तो आप डेमो लेक्चर देखोगे ना बेटा, तभी आपको पता चल जाएगा कि टीचर ने कितना जोरदार स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया है, स्मार्ट बोर्ड पे स्मार्टली वे में टीचर ने पढ़ाया। आप एक बार लेक्चर, डेमो लेक्चर देख लेना तो आपको ज्यादा पता चलेगा, हम यहां से बोले उससे अच्छा है आप डेमो लेक्चर खुद देखें। और कहीं पे आपको ऐसा भी लगेगा कि भाई कहीं पे हमारे जो कोर्स है 500 रुपीज में मिल रहे हैं, तो उससे कम प्राइस में भी कोर्स कहीं पे अवेलेबल है, लेकिन आप दोनों कोर्स की कंपैरिजन जब करोगे तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि हम 500 रुपीज ले रहे हैं वो किस चीज के ले रहे हैं, क्योंकि आपको वीडियोस देते हैं हर एक चैप्टर के और पूरी क्वालिटी के साथ बोर्ड पे लिखा हुआ वीडियो देता है। दूसरी चीज कि आपको उसकी डीपीपी मिलती है, उसकी नोट्स मिलती है, स्मार्ट बोर्ड की डीपीपी के सॉल्यूशंस मिलते हैं, डाउट सेशन होते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है, और जो टीचर है उसका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे काउंट होता है, कि भी टीचर को पता है कि जीटीयू में कैसे पेपर आते हैं, तो वो टीचर जब आपको पढ़ाएगा तो उसके दिमाग में वो पेपर रहेगा। तो 200-300 रुपीज के फर्क के लिए हमें ऐसा मैसेज मत करिए कि सर इसमें अभी कुछ कम हो सकता है, क्योंकि जब आप मूवी देखने जाते हो तो 300 रुपीज की टिकट और 200 रुपीज का पॉपकॉर्न, 500 रुपीज आप एक मूवी में देख लेते हो, जिसमें से आपको जीटीयू में कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये कोर्स जब आपको, अगर आप गांधीनगर आके हमारे पास ऑफलाइन यही सब्जेक्ट पढ़ते तो उसकी फीस आपको 6,000 रुपीज में पड़ता, यही 6,000 रुपीज वाला पूरा कोर्स आपको ऑनलाइन में खाली 500 रुपीज में जब मिल रहा हो, तो इससे अच्छी डील तो कहां पे मिलेगी। और मैं एक क्लियर बात आपको बता दूं कि थर्ड सेमेस्टर में जो मैथ्स आता है, इस बार उसी मैथ्स में 1000 प्लस स्टूडेंट हमारे कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कोर्स के जो रिव्यूज है, फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स के रिव्यू भी आपको अगर देखने हो, स्टूडेंट के मिड सेमेस्टर में 100 out of 100 मार्क्स आए, मतलब 30 मार्क की मिस्टेक में तो 30 मार्क्स पूरे आए हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर की भी रिव्यू अगर आपको देखने हो तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल प्रियसर विद्यापीठ में आप जाना, प्रियसर विद्यापीठ में हाईलाइट्स में जाना, स्टूडेंट्स के रिव्यूज एक कोर्स के रिगार्डिंग होते हैं कि कोर्स उनको कैसा लगा, क्या फील हुआ, कॉलेज के टीचर कैसा पढ़ाते हैं, हमारे टीचर कैसा पढ़ाते हैं, तो पहले आप सब कुछ देख लीजिए फिर कोर्स बाय करें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे मुझे आप देख के कोर्स बाय कर लीजिए, डेमो देखिए, स्टूडेंट के रिव्यूज देखिए, हमारे टेस्टिमोनियल्स देखिए, आपको एप्लीकेशन में भी मिलेंगे, सब जगह पे सब कुछ चीजें देख के आप कोर्स बाय कर सकते हो। लेकिन कहीं से भी कोर्स बाय करें उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन आप आपकी पढ़ाई के ऊपर फोकस करें, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने के लिए। फिर एटी-केटी स्टूडेंट की आ जाती है, फिर वो थोड़े टेंशन में आ जाते हैं, और फिर सेकंड सेमेस्टर में जब आप जाओगे तो सेकंड सेमेस्टर के 5 या 6 सब्जेक्ट तो हो गए ही होंगे, साथ में ये एटी-केटी वाले सब्जेक्ट की भी एग्जाम आपको उस टाइम पे देनी पड़ेगी, तो सब्जेक्ट इंक्रीज होगी जितनी एटी-केटी लाओगे, तो नुकसान ही नुकसान है, उससे अच्छा है अभी से पढ़ाई करें और सेमेस्टर क्लियर करें। अभी भी आपके कोई डाउट है फर्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग, एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली होने के चांसेस मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक या थर्ड वीक में है, कभी भी एग्जाम आ सकती है, मार्च के फर्स्ट वीक के चांसेस थोड़े अब कम लग रहे हैं, तो सेकंड वीक के आसपास कभी भी एग्जाम आपकी आ सकती है। तो किसी भी रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल प्रियसर विद्यापीठ में जाके हमें पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको श्योर रिप्लाई देगी। और जीटीयू में पेपर कैसे लिखते हैं उसका एक वीडियो जोरदार हमने बनाया है, 73,000 से भी ज्यादा व्यूज उसके ऊपर आए हैं, नीचे कमेंट देखना, स्टूडेंट ने वैसे ही पेपर लिखा है, उनको भी बेनिफिट हुआ है। और मैं हर एक चीज में बोलूंगा कि आप रिव्यूज देख के सब चीजें करें, हम बोल रहे हैं इसलिए मत करें, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप उस वीडियो को भी देख लेना, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर देना, ये वीडियो भी आपके क्लासमेट्स है उसमें शेयर करना मत भूले, क्योंकि जो अभी तक जागे नहीं है वो जग जाए और उसके ध्येय प्राप्ति के लिए पढ़ाई करना शुरू कर दे। मिलता है ऐसे कोई न्यू अपडेट के साथ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, पास में बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सेम नाम प्रियसर विद्यापीठ से हमारा अकाउंट है, आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।